तब मेरी थोड़ी like आंखें खुली यार ये क्या करवा रहा है विश्वास पे काम चल रहा था पूरा कंपनी। कई चीजें ऐसी होती हैं जिनमें पैसा डाल के आपकी आपकी जो जो है जो आपकी है जमा पूंजी वो बढ़ती है ठीक है mm -hmm. अल्टीमेटली जब मुझे पता चला कि यूलिप की असलियत है पंद्रह सोलह की बात है तब तो मैंने अपने पैसे वापस लेने की कोशिश करी

आग कैसे लगा सकते हो एक यूलिप खरीद कर एंड बिफोर वी प्रोसीड एक नेसेसरी डिस्क्लेमर ताकि कोई भी मेरे कहे हुए वर्ड्स को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ना ले जा सके मैं हर एजेंट के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूं इनफैक्ट बहुत सारे एजेंट्स को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि वो हमारे रूरल इंडिया में फाइनेंशियल सिक्योरिटी पहुंचा रहे हैं एंड बहुत सारे एजेंट्स हैं जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं एंड आई हैथिंग बट रिस्पेक्ट फॉर देम बट मैं उन सभी एजेंट्स के अगेंस्ट हूं जो अपना कमीशन खाने के चक्कर में भोले भाले लोगों का हार्ड अर्न मनी कुछ ऐसी स्कीम्स में लगवा देते हैं जो बहुत ही बुलशिट स्कीम्स होती हैं सॉरी फॉर माय लैंग्वेज और कभी कभी तो इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्योंकि सीनियर सिटीजन का रिटायरमेंट फंड भी वो ऐसी स्कीम्स में लगवा देते हैं स्कीम्स जैसे कि यूलिप जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगा और एंडोमेंट प्लान गारंटेड इनकम प्लान मनी बैक संचय माइनस क्योंकि प्लस जैसा उसमें कुछ है नहीं ये सारी स्कीम बहुत बुरी है तो एंडोमेंट और गारंटीड प्लान पे तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा आज का वीडियो सिर्फ यूलिप पे है। और आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर मैं बहुत स्ट्रांगली इसके अगेंस्ट बोल रहा हूं फिर भी इंडिया में इतने सारे लोग क्यों हैं जो यूलिप में इन्वेस्ट कर लेते हैं उसके लिए मैंने इनवाइट किया है लाइंग एजेंट मंदीप गिल को जिसकी नई नई नौकरी लगी है उसको ये सिखाया गया है बेटा कमीशन की कोई लिमिट नहीं है तुम चाहो जितना कमा सकते हो बस तुम्हें चूना लगा के माल बेचना आना चाहिए भाई साहब चाय तो बहुत ही बढ़िया बनी है साथ में पार्ले जी मिल जाते तो मज़ा ही आ जाता एक बार अंदर बोल दीजिए क्या पता हूँ चलिए शुरू करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपके लिए क्या प्लान लेकर आया हूँ पर पहले आप मुझे एक बात बताओ आप लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम क्यों भरते हो क्योंकि कल को अनटाइमली डेथ हो जाए तो फैमिली को पैसा मिलेगा पर हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे हम तो आपकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं तो बेस्ट केस सैनर में अगर आप पूरा टर्म सर्वाइव कर जाते हो तो आपने जितना भी प्रीमियम पे किया था ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स वो तो वेस्ट हो गया सर तो सर मेरे ओपिनियन में तो पैसे की बर्बादी ही हुई ना आप तो अग्री करेंगे तो मैं आपके लिए एक यूलिप लेकर आया उसको बोलते हैं यूनिट लिंगड इंश्योरेंस प्लान नाम बड़ा टेक्निकल है समझना बहुत ईजी है सर ये एक ऐसा प्लान है कि जो आपको लाइफ इंश्योरेंस तो दे ही रहा है पर साथ में जो आप पैसा पे कर रहे हो वो पैसा इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है वो पैसा इन्वेस्टमेंट है तो अगर आपकी अनटाइमली डेथ हो जाती है तो फैमिली को इंश्योरेंस कवर मिलेगा और जितना भी आपका इन्वेस्टेड कॉर्पस होगा वो मिल जाएगा और अगर डेथ नहीं होती है तो भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है विद वो आपको मिल जाएगा आजकल क्या है लोग ऑनलाइन ऑनलाइन के चक्कर में पढ़ते हैं सबके बच्चे थोड़ा ज्यादा देख रहे हैं और वो आप आपका अच्छी अच्छी चीजें पहुंचने नहीं देते और मेरी तो ड्यूटी है सर मैं हर क्लाइंट का अच्छे से ध्यान रखता हूँ सबके घर जाके पर्सनली उनको समझाता हूँ और एक बहुत बड़ी बात सर जो आपको शायद कोई नहीं बताएगा ये जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो ये सेक्शन एटीसी में टैक्स फ्री होगा और इस पर जो आप रिटर्न कमाओगे और लास्ट में जब विद्रॉ करोगे तो म्यूचुअल फंड में सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है इधर कुछ नहीं लगेगा आप पूरा पैसा इन्वेस्ट करो और पूरे रिटर्न्स आपके टैक्स फ्री हैं आप ये सोचिए कि आपको इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट और टैक्स सेविंग ऑप्शन अब आप मुझे बताइए आपको एक ही प्रोडक्ट में इतनी सारी चीजें मिल रही हैं मैंने तो क्या किया अपने फैमिली में हर किसी मेंबर के नाम पर पॉलिसी खुलवा दिया अब सर पेपर तो मैं लेकर आया हूँ आप चाहो तो इसको जितना टाइम लेकर पढ़ सकते हो पर अगर आपको पूरी चीज समझ आ ही गई है तो सर शुभ काम में देरी क्यों साइन कीजिए सर तो ये वाली पिच सुन के काफी लोग भावुक हो जाते हैं तो चलो जरा जागरूक जनता स्टाइल में देखते हैं इस यूलिप में कितना दम है ओके okay, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और वो भी आपके भले के लिए अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया और वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि यार बंदे ने काम तो मेहनत का किया है और आप लोगों के बहुत सारे पैसे बचा दिए हैं तो प्लीज उन बचे हुए पैसों को सही जगह आज ही लगाओ मैं आपको हमेशा स्ट्रेस करता हूं इस फैक्ट पर आपका थोड़ा बहुत पैसा स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में होना चाहिए यह मत बोलना कि हमें स्टॉक मार्केट के नॉलेज नहीं है क्योंकि यूट्यूब पर मुफ्त ज्ञान अवेलेबल है गलती आपकी है अगर आप वो ज्ञान ले नहीं रहे हो और मैं आपको इसलिए बार बार बोलता हूं क्योंकि टाइम इज मनी अगर आपने लंबे टाइम तक इन्वेस्ट नहीं किया और बाद में जाग रहे हो तो करोड़ों नहीं बना सकते इसीलिए डीमे अकाउंट खोलने का बेस्ट डिस्काउंट है मैं खुद भी यूज करता हूं। और आप अगर शेयर खरीद के रख दोगे तो आपको जीरो पे करनी है प्लस इनका एक बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है जो वैलिड है तो खत्म हो जाए इससे पहले वो अवेल कर रहा हूं, मैं में सारी दे रहा हूं। जरूर चेकआउट करना और मस्त बात यह है कि अगर आप अभी इस ऑफर में ही अकाउंट खुलवा लोगे तो आपको स्टॉक मार्केट का कोर्स फ्री में कोर्स मिल रहा है तो जरूर ले लेना और लेने के बाद वो पढ़ा ना रहे उसको भी कर लेना तो यूलिप का फुल होता है पैसा डालोगे वो पैसा स्टॉक मार्केट में या डेट मार्केट में इन्वेस्ट होगा यानी वो पैसा मार्केट लिंक्ड होगा जिस तरह अलग अलग म्यूचुअल फंड्स होते हैं जैसे इक्विटी डेट लार्ज कैप स्मॉल हर इंश्योरेंस कंपनी के अलग अलग यूलिप फंड होते हैं जैसे लार्ज कैप स्मॉल कैप डेट फंड और इनका एक बैलेंस फंड भी होता है और इसमें आपको चॉइस दी जाती है कि आपको आपका पैसा कौन से वाले फंड में डालना है अपना रिस्क मैनेज करते हुए

कम से कम एक करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए मैक्सिमम लिमिट है पच्चीस गुना यानी ढाई करोड़ से ऊपर नहीं जा सकते बट मिनिमम पे कोई रूल नहीं है बस एक स्ट्रॉग सजेशन है कि आपके पास दस गुना तो होना ही चाहिए क्योंकि अगर आपकी अनटाइमली डेथ हो जाए तो आपकी फैमिली के पास वही सेम लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए दस साल तक का पैसा हो तो एक बार के लिए मान ही लो आपकी इनकम है दस लाख रुपए और आपको चाहिए एक करोड़ का इंश्योरेंस और इससे पहले कि आप रिसर्च करते आपके घर दस्तक दे दिए एजेंट मंदीप लाइंग एजेंट मंदीप ने

पांच लाख वाले यूलिप का कितना प्रीमियम पड़ेगा तो लाइंग एजेंट मंदीप गिल बोलेगा सर पचास हजार एक साल में यह भी बहुत महंगा है बताओ क्यों क्योंकि अगर आपको एक करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस लेना होता है और आप मेरी एज के हो पच्चीस साल के तो आपको सालाना प्रीमियम देना पड़ेगा दस से बारह हजार रुपए बट यूलिप में आपको एक करोड़ का नहीं सिर्फ पांच लाख का कवर मिल रहा है और उसके बदले में आपको प्रीमियम देना पड़ रहा है पचास हजार रुपए का हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है मिस्टर मोहित सोनी उन्होंने यूलिप खरीदा हुआ था और चार साल के बाद उन्होंने अपना यूलिप बंद करवाया इसकी गणित समझने के लिए जब मैंने जब विड्रॉल हुआ पैसे का तो मैंने उसमें देखा कि क्या चीज हुई है तो उन्होंने क्या दिखाया कि भाई एक लाख रुपए है आपको वो लोग दस लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर देते हैं बट जो आदमी हर साल एक लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हो इंश्योरेंस में उसके लिए दस लाख की लाइफ इंश्योरेंस की क्या वैल्यू होगी कुछ भी नहीं <laughs> तो ये तो टोटल फर्जी वाला है अब आपके मन में ये ऑब्वियस क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई साहब ये इतना महंगा क्यों है और इसका रीजन छुपा है आईआरडीए की गाइडलाइन में आई ने हर इंश्योरेंस कंपनी को इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि आप जब भी इंश्योरेंस प्लान बेचोगे तो एनुअल प्रीमियम जितना भी कस्टमर से ले रहे हो उसका मिनिमम दस गुना इंश्योरेंस तो आपको देना ही पड़ेगा मतलब एनुअल प्रीमियम है पचास हजार उसका दस गुना है पांच लाख तो पांच लाख तो मिनिमम इंश्योरेंस देना ही पड़ेगा बट मैक्सिमम लिमिट तो कंपनी के हाथ में है और कंपनी क्यों जानबूझ के आपको एक्स्ट्रा इंश्योरेंस कवर देगी जब उसको जरूरत ही नहीं है देने की तो अगर आप जागरूक जनता हो तो आप इसको यहीं के यहीं रिजेक्ट कर दोगे क्यों क्योंकि पांच लाख के इंश्योरेंस कवर में आपका कुछ होने वाला नहीं है और ये एक्सपेंसिव भी बहुत है बट फिर भी खटिया खड़ी कर ही रहे हैं तो पूरे की करते हैं अब अपन समझते हैं इसका इन्वेस्टमेंट वाला कॉम्पोनेट तो ये जो लाइंग एजेंट मंदीप गिल है ना ये आपको बोलेगा कि यूलिप ना म्यूचुअल फंड से बेटर होता है सर इसीलिए आपको यह लेना चाहिए तो आप पहले मुझे यह बताओ अगर आप जागरूक जनता हो और आपने कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो म्यूचुअल फंड के क्या क्या चार्जेस होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं बताओ एक चार्ज होता है एक्सपेंस रेशो रेगुलर म्यूचुअल फंड में काफी ज्यादा होता है जिसके अगेंस्ट हमने वीडियो भी बना के आपको बता रखा है और आपको हमेशा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड लेना चाहिए जो थोड़े थोड़े सस्ते सस्ते होते हैं हैं नहीं काफी ज्यादा पड़ते आपको और उनका जो एक्सपेंस रेशो होता है 1%, 1 और कभी कभी तो वन के नीचे भी रहता है और इंडेक्स फंड में तो मेंसेंट रहता है विच इज क्वाइट इंप्रेसिव तो म्यूचुअल फंड काफी सस्ते हो चुके हैं और एक और चार्ज होता है म्यूचुअल फंड में वो होता है एग्जिट लोड मतलब आपने शुरुआत के एक या दो साल में अपना पैसा विड्रॉ करने की कोशिश करी तो आपको एक या दो परसेंट की पेनल्टी लग जाएगी इन दोनों के अलावा और कोई चार्ज नहीं होता और एग्जिट लोड भी मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि ये डिसिप्लिन के लिए काम करता है अगर आप दो साल भी अपना पैसा म्यूचुअल फंड में नहीं रख सकते तो शायद आप इन्वेस्टिंग के लिए बने ही नहीं हो तो मेरे लिए जो रियल चार्ज है म्यूचुअल फंड में वो सिर्फ एक है वो है एक्सपेंस रेशो जिससे मैं खुश हूं क्योंकि मैं डायरेक्ट वाले में इन्वेस्ट करता हूं अब जरा यूलिप के चार्ज देखते हैं थोड़े साल पहले ही यूलिप के चार्जेस भी काफी ज्यादा हुए करते थे फिर कंपनीज ने क्या सोचा कि यार एक दो चार्ज अपन हटा देते हैं क्योंकि ये सरासर रिप ऑफ लग रहा है तो इन्होंने प्रीमियम एलोकेशन चार्ज और पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज हटा दिया तीसरा आता है फंड मैनेजमेंट चार्ज जिसको अपन म्यूचुअल फंड की भाषा में एक्सपेंस रेशो ही बोलते हैं ये बिल्कुल एक्जैक्टली वही है और इस पर कैप लगा रखा है आई आर डी एन का तो ये एक अच्छी बात है नहीं तो कंपनीज का मन चले तो कितना भी रख सकते हैं मतलब स्मॉल अच्छा कैप जाना, जाना है तो ये करने का भी आपको चार्ज देना पड़ेगा मैंने कुछ कंपनीज के ऑनलाइन यूलिप चेक करे उनमें आजकल आपको एक दो बार फंड स्विचिंग करने का मौका फ्री में मिल रहा है बट अगर आपको उसके बाद करना है तो आपको चार्ज देना पड़ेगा फिर आता है प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्ज पॉलिसी सरेंडर चार्ज मतलब अगर आपको आपका यूलिप बंद करा के पैसा वापस लेना है तो उसका भी आपको चार्ज देना पड़ेगा और पता है मोर्टेलिटी चार्जेलिटी चार्ज. चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो कंपनी और एजेंट दोनों के दोनों आपको ऊपर ऊपर से बता के निकल लेंगे क्योंकि अगर ढंग से समझा दिया तो आपको कहानी समझ आ जाएगी और आप ये पॉलिसी खरीदोगे नहीं तो ये एच लाइफ का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मोर्टेलिटी चार्ज समझा रखा है और इसका फॉर्मूला दे रखा है चार्ज रेट मल्टीप्लाइड बाय सम एट मतलब सम अशोर्ड डिवाइडेड बाय थाउजेंड इंटू वन बाय ट्वेल्व वन बाय ट्वेल्व इसलिए क्योंकि ये मंथली बेसिस पे कटता है तो ये पर मंथ आपका चार्ज निकलेगा इसमें जो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है चार्ज रेट चार्ज रेट को समझाने के लिए इनको एक अलग टेबल बनाना पड़ गया भाई साहब चलो देख लेते हैं क्या है इस टेबल में जो चार्ज रेट है वो आपकी एज के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है जरा ढंग से देखो और जब तक आपकी एज 18 से 35 36 साल है तब तक आपका जो चार्ज है वो 1.5 से 2 के बीच में रहेगा तो चलो ठीक है और जैसे ही आपकी एज छत्तीस से बढ़ना चालू होती है धीरे धीरे ये चार्ज बढ़ता है दो तीन चार पांच छह इवन ग्यारह तक पहुंच जाएगा साठ साल की उम्र में और आप अगर नोटिस करोगे तो ये चार्ज इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है मतलब हर अगले साल में जो चार्ज बढ़ेगा वो पिछले साल की तुलना में ज़्यादा बढ़ेगा शुरुआत में जब आप यंग हो तो ये आपका चार्ज है ये कट रहा है और जैसे ही आप 36 क्रॉस करते हो और 60 की तरफ आपकी एज जाना स्टार्ट होती है तो ये आपका चार्ज एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है जैसे आप देख रहे हो और हर अगले साल में जो ये चार्ज बढ़ रहा है ये इसका मतलब क्या हुआ आपको माइंड में यह लग रहा है कि मैं एक लाख रुपए डाल रहा हूं मेरा पूरा एक लाख रुपए इन्वेस्ट हो रहा है पर हर अगले साल आपका और कम पैसा इन्वेस्ट हो रहा है क्योंकि और ज्यादा आपका चार्ज कट रहा है और यह तो सिर्फ एक चार्ज है बाकी चार्ज मैंने आपको अभी बताया तो ये एक ऐसा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है जो एज के साथ साथ बढ़ रहा है जो कि अगर आपने नोटिस किया हो तो टर्म इंश्योरेंस में नहीं होता है टर्म इंश्योरेंस में में जिस एज आप ले लेते हो पॉलिसी वही प्रीमियम आपका सालों साल फिक्स रहता है है कभी भी बढ़ता नहीं है। तो एक तो ये एज डिपेंडेंट है और जैसे जैसे एज बढ़ेगी ये चार्ज ज्यादा होगा मतलब मेरे लिए महंगा पड़ता जाएगा ये तो हुआ एक डाउन इसका दूसरा बहुत बड़ा डाउन साइड है कि आप ये चार्ज अलग से थोड़ी पे कर रहे हो एजेंट या कंपनी ने आपको तो यही विश्वास दिलाया था कि सर आप पचास दे रहे हो या एक लाख रुपए दे रहे हो ये आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है और उस इन्वेस्टमेंट में से पहले ये सारे चार्ज काटे जा रहे हैं और ये चार्ज अगर मंथली कट रहा है मतलब आपका जो ऑलरेडी पैसा लग गया है यूलिप में उसके यूनिट्स को कैंसिल करके ये चार्ज पहले भरा जाएगा और फिर आपका जो नेट इन्वेस्टमेंट होगा उस पर आपको कुछ रिटर्न मिल रहा है अगर जो थोड़ा बहुत मिल रहा है तो तो एक लाख अगर आप डाल रहे हो और उसमें से दस बारह परसेंट ही कट जाए तो आपका पैसा तो बच गया नब्बे हजार रुपए उस नब्बे हजार रुपए ग्यारह परसेंट सालाना भी रिटर्न दे दिया तो सर आप तो बस अपने नब्बे को लाख पे पहुंचाए ना आपको तो तो प्रॉफिट हुआ पहले तो आप लॉस रिकवर कर रहे हो उसके बाद जो आपका पैसा है उस पर कुछ कमाई होगी और बाय द वे अगर आप किसी भी पोर्टल पे जाके यूलिप्स के रिटर्न्स भी चेक करोगे वो भी म्यूचुअल फंड्स को बीट नहीं करते हैं तो कोई भी एजेंट आपको बोले कि यार ये म्यूचुअल फंड से बेटर है सो नाउ यू नो बेटर तो जब बात आती है यूलिप के रिटर्न की तो माना कि यूलिप का जो स्ट्रक्चर है वो म्यूचुअल फंड से सिमिलर है बट यूलिप म्यूचुअल फंड से ज्यादा तो छोड़ो उसके बराबर रिटर्न भी नहीं दे सकता क्योंकि जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें से बहुत सारे चार्जेस काटने के बाद आपका जो बच रहा है पैसा वो इन्वेस्ट हो रहा है तो होगा किसी कंपनी का कोई यूलिप जो किसी म्यूचुअल फंड को बीट कर दे रिटर्न्स में बट ऐसा कोई यूलिप नहीं मिलेगा आपको जहां पे आपका पूरा पूरा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है शांति से और आपको बिल्कुल म्यूचुअल फंड जैसा ही फील आ रहा हो

यूनिट लिंक प्लान लिया था जिसमें मैं हर साल एक लाख रुपए जमा करा रहा था इनटू टू यूलिप तो एक लाख एक लाख एक लाख मैंने चार साल तक जमा करा चार साल तक जमा कराने के बाद मेरे हिसाब से तो मैंने चार लाख रुपए अंदर डाल दी नाउ मुझे अल्टीमेटली जब मुझे पता चला कि यूलिप की असलियत है दिस वाज अराउंड चार साल लगाओगे तो करीब पंद्रह सोलह की बात है तो मैंने अपने पैसे वापस लेने की कोशिश करी और जब मैं पैसे वापस लेने गया तो उन्होंने कहा आपके खाते में कट आपको 4, 43, 000, 4, 43, रिटर्न है hmm. लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी अगर मुझे चार सालों के बाद चार लाख रुपए डालने के बाद दस परसेंट रिटर्न लेना है तो इट इज एवरेज रिटर्न इज ओनली टू एंड पर ना वाली पॉलिसीज़ तो सबसे डेंजरस होती है क्योंकि उन पॉलिसीज़ में ये एजेंट्स को 25 से 30 परसेंट तक का कमीशन देते हैं है, उसका, उसका है। है। तो पच्चीस का प्रीमियम जो आप पहले साल का देते हैं वो डायरेक्टली चेन के लोगों को जाता है आप मानो कि एक इंश्योरेंस कंपनी आपसे इंश्योरेंस प्रीमियम ले रही है प्लस एजेंट को पच्चीस से तीस परसेंट दे रही है फर्स्ट प्रीमियम तो मेंटेनेंस चार्ज पहले साल में कट रहा है तो कहीं ना कहीं ये रिकवरी कैसे करते हैं तो तीन साल तक जो भी आप इसमें पैसा डालते हो उसमें से आपको एक रुपया नहीं मिलेगा मेरा पहला इमलेट जो मैंने लिया था वो करीब 2012 या 2013 की बात है और एक बात और जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है तो वो वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है फॉर एग्जाम्पल आपको कितना रिस्क लेना है कितने लंबे समय तक इन्वेस्ट करना है आपके गोल्स क्या है वो इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबल कितना है उसमें लॉक इन पीरियड कितना है बट यूलिप में ये सब नहीं देखा जाता क्योंकि यूलिप तो बीस बीस साल चालीस चालीस साल के होते हैं और एजेंट आपको कन्विंस करके आपका पूरा पैसा एक ही स्कीम में घुसा देता है और उस पैसे से कोई भी गोल अटैच नहीं होता है और काफी लोगों को पांच सात साल बाद जब वो अपना फंड वगैरह चेक करते हैं ऑनलाइन तब उनको वो वैल्यू देखकर रिग्रेट होता है कि मेरा पैसा बस इतना सा ही ग्रो हुआ है उस टाइम पर उनको दो बहुत बड़े नुकसान होते हैं एक तो वो पांच सात साल की कंपाउंडिंग खो चुके हैं जो अगर अदरवाइज वो म्यूचुअल फंड में डालते तो उनको कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल चुकी होती और जो दूसरा नुकसान है इंश्योरेंस का अगर आपको अब टर्म इंश्योरेंस लेना है पाँच साल बाद तो अब आपकी एज बढ़ चुकी है आपको महंगा मिलेगा नाउ कमिंग टू टैक्स वाला पॉइंट एजेंट आपको यह भी बोलेगा कि आप इसमें जो ईयरली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका ए में आपको डिडक्शन मिल जाएगा और जो इसके रिटर्न हैं वो भी टैक्स फ्री हैं बट आप मुझे एक बात बताओ कि एक लाख आप इसमें डाल रहे हो वो एक लाख डालते ही तो पहले वो नब्बे हो रहा है उसके बाद आप वेट कर रहे हो रिटर्न्स कमाने का ताकि वो वापस एक लाख पे आए और उस एक लाख रुपए पे अगर आपको दो पांच परसेंट ऊपर एक्स्ट्रा रिटर्न मिल भी रहा है तो उसमें से भी अगर टैक्स लगा देगी सरकार और मुझे आप एक और बात का जवाब दो आप टैक्स फ्री आठ परसेंट कमाना चाहते हो या टैक्स पे करके पंद्रह परसेंट कमाना चाहते हो एंड इफ यू डोंट नो ऑलरेडी टैक्स सेविंग के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है तो अगर आपको टैक्स सेव करना ही है ज नॉट द वे बहुत अलग अलग तरीके मच बेटर तरीके हैं वहां जा सकते हो अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आपने अगर यूलिप ले रखा है तो क्या करना चाहिए उससे पहले मैं आपको बताता हूं इफ नॉट यूलिप देन वॉट तो आपकी प्रायोरिटी नंबर वन होनी चाहिए टर्म इंश्योरेंस मैंने आपको बताया एक करोड़ का टर्म इंश्योरेंस दस हजार के सालाना प्रीमियम पे उपलब्ध है आपको करना कुछ नहीं है ये दो वीडियोस जरूर देखने हैं टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले क्योंकि उधर भी बहुत बड़े बड़े झोल हैं जिन जो आपको पहले से पता होना चाहिए खरीदने के तो इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा लाइफ इंश्योरेंस होती है क्योंकि हम कब मतलब अनटाइमली डेथ कभी भी हो जाए हम कुछ नहीं कह सकते उसके बाद जो पैसा है वो आपको यूज करना चाहिए वेल्थ क्रिएशन के लिए मतलब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए उसके लिए आप म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाइए प्लीज अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो अगर आपको टैक्स बचाना है तो पीपीएफ एनपीएस सुकन्या समृद्धि योजना इन सबके मैंने वीडियोस बना रखे हैं वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा वो भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है बट सीरियसली थोड़ा बहुत पैसा आपको स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए और उसके लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूं कि आप आज के आज पहले अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए और मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आप हमारे लिंक से वो अकाउंट खुलवाएं ताकि हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले और आप अपना वेल्थ क्रिएशन के लिए पहला स्टेप ले सकते हो तो ये दो काम आपको करने हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है डीमेट अकाउंट खुलवाओ और दो चार शेयर खरीदो उसके बाद स्टॉक मार्केट को और समझने का कोशिश करो धीरे धीरे आएगा एक साल लगेगा बट हमेशा बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप अपनी नॉलेज में करते हो नॉलेज होगी तभी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने यूलिप ऑलरेडी ले लिया है तो क्या करना है कुछ नहीं करना बंद कर देना है अगर आपने पंद्रह दिन के अंदर अंदर ही लिया है या एक महीने के अंदर अंदर ही लिया है तो आप फटाफट चेक करो हर पॉलिसी आपको फिफ्टीन डेज या थर्टी डेज का फ्री लुक पीरियड देती है जिसमें आप उसको कैंसिल करके पूरा पैसा वापस ले सकते हो और आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगती तो अगर आप उस पीरियड में आते हो तो बहुत ही अच्छा है सेकेंडली अगर आपका यूलिप पांच साल पुराना नहीं हुआ है मतलब लॉक इन में चल रहा है तो भी निकाल लो क्यों क्योंकि टाइम इज मनी अगर आप एक दो साल भी उस यूलिप में कंटिन्यू कर रहे हो सिर्फ लॉक इन पूरा करने के लिए मतलब आप एक दो साल का एक अच्छी इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग की अपॉर्चुनिटी खो रहे हो एंड टाइम इज मनी ये मैंने आपको टर्म इंश्योरेंस के क्यू एन ए वीडियो में भी समझाया था वो आपको देखना चाहिए तो भले ही पेनल्टी लग रही है चार्जेस लग रहे हैं एक बार पे करो उधर से निकल जाओ एंड टर्म इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड ये वाला कॉम्बो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा जब मैंने ये डिस्कंटिन्यू किया HDFC का जो भी प्लान था मेरा मुझे कम से कम कम से कम से कम 40 फोन कॉल आए कि सर आप प्लीज ये प्लान को रिएक्टिवेट कर लीजिए मुझे 200 तो मैसेजेस आए कि सर हम आपको बिना पेनल्टी के प्लान रिएक्टिवेट करने का ऑप्शन दे रहे हैं ऐसा भी करते हैं तो व्हाई

लाइफ लॉन्ग इनकम प्लान डबल इनकम प्लान इन सबके बारे में बाय मैं पॉलिसी का नाम नहीं लूंगा उसका मतलब कंपनी का नाम नहीं लूंगा पॉलिसी का नाम था यंग स्टार उड़ान करके या कुछ ना कुछ ऐसे करके कि आपका यंगस्टर जो है वो उड़ेगा और उसकी पॉलिसी को ये बोलते हैं कि भाई आप अपने बच्चों के लिए पैसे सेव करो उनके कॉलेज के लिए हर साल आप पचास पचास हजार लाख लाख रुपए डालो और इतना आपका बढ़ जाएगा इतना घट जाएगा सो जो दस लाख का इंश्योरेंस था ना उन्होंने जो कराया मेरी डॉटर के नाम पे

अपने नाम से इंश्योरेंस डॉटर के डॉटर की कौन लाइफ इंश्योरेंस कराता है <laughs> तो नेहा ने मेरी एम करी तब मेरी थोड़ी लगे like आंखें खुली यार ये क्या करवा रहा है कि विश्वास पे काम चल रहा था पूरा कंपनी राइट <laughs>